हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट यूअर इंग्लिश नोटबुक एंड सेमिस्टर फर्स्ट। दैट डे आई टॉट टी लेटर। विच लेटर? टी लेटर। टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टाइगर एंड टी फॉर टेलीविजन। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ टी लेटर। टुडे आई एम टेकिंग यू लेटर। विच लेटर? यू लेटर। सो ओपन यूअर पेज नंबर 40 एंड रीड द हेडिंग विथ मी। Read the letters and name the pictures. Read the letters and name the pictures. Today I am taking U letter. Which letter? U letters. What is this? This is an uncle. This is an uncle. And this is an umbrella. This is an umbrella. And this one an up. This one an up. Up means upar jana. Up means kya hota hai? Niche se upar jana. Okay? So let's start. Read the spelling with me. U for uncle. U N C L E uncle. Uncle means क्या होता है? Uncle means चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, जो भी आपके relative होते हैं, आपके आस पड़ोस के, उनको आप क्या बोलते हैं? Uncle बोलते हैं। जो तो ये क्या है? Uncle है। जो भी आपके रिलेटिव है, जितने भी पास के जो जेंट्स रिलेटिव है, उनको आप अंकल बोल सकते हैं। सो ये क्या है? अंकल। व्हाट इज दिस? दिस इज एन अंकल। सो रीड द स्पेलिंग विथ मी। यू एन सी एल ई अंकल। इंग्लिश में चाचा जी को क्या बोलते हैं? मौसा जी, चाचा जी, फूफा जी और जितने भी आस पड़ोस के, उनको बोलते हैं अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। So read the spelling. U N C L E uncle. U N C L E uncle. Again read with me. U N C L E uncle. U for uncle. This is an uncle. Okay. Next one is, look at the next picture. What is this? This is an umbrella. This is an umbrella. अम्ब्रेला मीन्स छाता। मैंने आपको हिंदी में बताई थी छतरी, छ, तो ये क्या है? छाता। यू यूजेस इन समर सीजन एंड रेनी सीजन आल्सो। जब समर सीजन रहता है तब आप, जब आपको धूप लगती है तब भी आप छाता यूज़ करते हो। एंड रेनी सीजन आल्सो, बहुत सारी बारिश आते रहती है तभी भी आप छाता यूज़ करते हो। बहुत अलग अलग प्रकार के अम्ब्रेला मार्केट में अवेलेबल होती है और आपको सभी को पता है अम्ब्रेला क्या होती है। अम्ब्रेला यानी छाता। अम्ब्रेला यानी क्या होता है? छाता। छोटे बच्चों की अलग अम्ब्रेला आती है, बड़े लोगों की अलग अम्ब्रेला आती है। बहुत कलरफुल अम्ब्रेला अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं? छाता। हिंदी में क्या बोलते हैं? छाता। और इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला। सो रीड द स्पेलिंग विथ मी। U M B R E L L A umbrella. U M B R E L L A umbrella. Again read with me. U M B R E L L A umbrella. Put your finger on spelling and read the letters. U M B R E L L A umbrella. Umbrella means chhata. Okay, next, what is this? This is up. Up means क्या होता है? ऊपर जाना। जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं डाउन। एंड नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अप जाते हैं, तब आपको स्टेयर से, जब वो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती है तब उसको बोलते हैं अप। क्या बोलते हैं? अप। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तब आप उसको बोलते हैं डाउन। सो ये क्या है? यू पी अप। What is this? U P up. This is an up. U P up. Again read with me. U P up. Up means ऊपर जाना. Up means ऊपर जाना. Okay. So again read the spelling with me. U for uncle. U for umbrella. And U for up. This is the picture of U letter and spelling also. Okay. Open your English notebook and write the heading in your notebook and make three columns in your page. Read the letters and name the picture. You draw the three picture. This is umbrella's picture. This is an umbrella. This is an uncle. This is an up. You make three pictures in your page. After you write the spelling in next line.
राइट द स्पेलिंग विथ मी, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला. अगेन रीड विथ मी स्पेलिंग, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ अम्ब्रेला. यू रीड एंड राइट इन यूर नेक्स्ट लाइन. ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग इज, दिस इज एन अंकल. अंकल मीन्स चाचा जी. सो यू राइट द स्पेलिंग विथ मी, यू एन सी एल ई, अंकल. यू एन सी एल ई, अंकल. यू फॉर अंकल, दिस इज एन अंकल. ओके, नेक्स्ट वॉट इज दिस इज अप, दिस इज एन अप. सो यू राइट द अप स्पेलिंग, यू पी, दिस इज द वेरी इजी स्पेलिंग ऑफ यू लेटर, यू पी अप, यू पी अप. सो अगेन रीड विद मी स्पेलिंग, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अंकल एंड यू फॉर अप. सेम टू सेम यू राइट इन यूर पेज. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.